हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि यूनिवर्स आपके लिए आपकी लाइफ में कौन सा बिग सरप्राइज भेजने वाले हैं बहुत ही जल्द। सो विच सरप्राइज इज़ कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू। सो आपके सामने हैं यहाँ पे दो कार्ड्स। कार्ड नंबर वन है ब्रीद, एंड कार्ड नंबर टू वी हैव इज ग्रोथ। सो जिस भी कार्ड के साथ, इमेज के साथ, मैसेज के साथ आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो वो कार्ड आप चूज करिए, एंड देन वी विल स्टार्ट योर रीडिंग विथ द ग्रुप नंबर वन। हाय गाइस, ग्रुप नंबर वन। सो आपने कार्ड चूज करा है ब्रीथ। चलिए देखते हैं कि क्या सरप्राइज आ रहा है यूनिवर्स की साइड से आपके लिए। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि व्हाट इज योर करंट एनर्जी राइट नाउ। सो करंट एनर्जी ऑफ ग्रुप नंबर वन पीपल इन देयर लाइफ। We have four of cups. We have the earth father, which is the emperor card. We have seeker of shells, which is the knight of cups. Then we have two of pentacles. Okay, so यहाँ पे थोड़ा सा like confusion दिख रहा है मुझे आपके लिए, group number one, in the form of की कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, शायद आपका ध्यान एक्चुअली डिस्ट्रैक्शंस की तरफ है, मुझे ऐसा लगता है। इट्स लाइक कि आपका जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है अपनी लाइफ में, बट आपका ध्यान जो है इस टाइम एक डिस्ट्रैक्शन की तरफ ज़्यादा है, रैदर देन कि उस तरफ जहाँ पे आप अपना फुल पोटेंशियल यूज़ कर सकते हो, राइट। सो आप डिस्ट्रैक्टेड हो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में, आप ब्लेसिंग्स को देख नहीं पा रहे हो या ब्लेसिंग्स को महसूस नहीं कर पा रहे हो इस टाइम। हालांकि आप जानते हो कि आपका जो पोटेंशियल है वो काफ़ी स्ट्रांग है, और यू नो, आप एक एम्परर बनने के काबिल हो अपनी लाइफ में, राइट, कि आप एक स्ट्रांग पर्सनालिटी हो अपनी लाइफ में और आप बनना भी वही चाहते हो। एंड यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स के दिखा रहा है कि आई गेस कि आप ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हो अपनी ज़िंदगी में जो आपके दिल को खुश करे, मतलब ऐसा काम आप करना चाह रहे हो जिससे यू नो, आपका दिल खुश हो, या आप ऐसा पर्सन चाह रहे हो जिसका आप दिल से खुश रह सको। सो इट्स लाइक यू आर सर्चिंग फॉर दैट हैप्पीनेस जो आपके दिल को खुशी दे, राइट। एंड यहाँ पे यू नो, कुछ चीज़ें हैं जो आप अभी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो अपनी ज़िंदगी, बट कहीं ना कहीं वो यू नो, इट्स लाइक कि कुछ ना कुछ छूट जाता है आपकी ज़िंदगी। जैसे कि इफ़ यू फोकस ऑन योर लव लाइफ तो आपका करियर पर आप ध्यान नहीं दे पाते हो, फोकस ऑन योर करियर सो आपके रिलेशनशिप को आप निग्लेक्ट कर देते हो, आपकी हेल्थ को आप निग्लेक्ट कर देते हो। तो इट्स लाइक यू नो, बैलेंस जो है ज़िंदगी का वो नहीं बैठ पा रहा है, बट स्टिल यू नो, आपको थोड़ा सा इस टाइम अपना लाइफ टर्न करिए और बिगर पर्सपेक्टिव को देखिए, ना कि डिस्ट्रैक्शंस पे फोकस रखिए इस टाइम, क्योंकि यू नो, आपका पोटेंशियल बहुत है अपनी ज़िंदगी। आप पोटेंशियल में आप एम्परर बन सकते हो आगे जाके, आप एक बिग सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो, बट इस टाइम आप थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हो कुछ चीज़ों को लेके अपनी ज़िंदगी में। आपका ध्यान जहाँ होना चाहिए इस टाइम वहाँ नहीं है, कहीं और ही है, तो अपना फोकस जो है वो सही जगह बिठाओ इस टाइम, क्योंकि आपका जो ट्रू पोटेंशियल है ना वो आप तभी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स की साइड से आपके लिए कौन सा बिग सरप्राइज आ रहा है। सो बिग सरप्राइज कमिंग फ्रॉम यूनिवर्स ग्रुप नंबर वन। वी हैव सेवन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, डेविल, Wheel of Fortune, Six of Wands. So like it's a journey in itself, from Seven of Cups, Three of Swords, Devil, फिर Wheel of Fortune, फिर Six of Wands, right? So it's like right choices लेना अपनी life में सबसे तो ज़रूरी है आपके लिए, और एक illusionary world से निकल के actually में action लेना अपनी चीज़ों के लिए वो important है आपके लिए।
सो आगे जाके जो है आपके सामने यूनिवर्स बहुत सारी चॉइसेस देंगे, जिंदगी में रास्ते खोलेंगे बहुत सारे, कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, कुछ आपके अच्छी नहीं होंगी. सो इट्स लाइक द राइट चॉइस दैट यू मेक, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. प्लस यहाँ पे मुझे आपकी हीलिंग दिख रही है इन द फॉर्म ऑफ कि अगर आप किसी बात से अपसेट हो, नाराज हो, आपका दिल टूटा हुआ है, आप यू नो एक पास्ट में जी रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको पिंच कर रही थी, नाउ यू नो इट्स टाइम कि वो चीज़ें जो हैं वो सही होंगी, आपका दिल जो है फिर से हील होगा, आप उन वूंड से उभरोगे, आपकी लाइफ के जो भी चैलेंजिंग जो एक थे फेजेस, आप उनकी जो बैड मेमोरीज है उससे आगे बढ़ पाओगे अपनी ज़िंदगी में. एंड आई गेस कि जो नेगेटिविटी आई है आपकी ज़िंदगी में, द डेविल, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर है, तो इस नेगेटिविटी को जो यूनिवर्स है वो आपके अंदर से बाहर निकालेंगे. अभी जो डेविल आप कंट्रोल कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ की यू नो डेविल जो बिहेवियर है वो हमारे अंदर दिखता है, कि गुस्सा आना और फ्रस्ट्रेटेड रहना, नेगेटिव सोचना, या कभी कभी आसपास के लोग भी होते हैं वो हमें ऐसा बना देते हैं, या आसपास के लोग हमारी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, करते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ से दूर जाएंगी. बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ना नेगेटिविटी, ये आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव आने से रोक रहा है. सो ये जो कंट्रोलिंग मैनिपुलेटिव बिहेवियर है ये दूर जाएगा आपकी लाइफ से. और कहीं ना कहीं आप भी अगर इस तरह के थे पर्सन की यू नो आप कंट्रोल करना चाहते हो हर चीज़ को, आप नेगेटिव पर्सपेक्टिव है आपका, और कहीं ना कहीं यू नो आप कोई ऐसी हैबिट्स हैं आपकी जो सही नहीं है आपके, तो वो चीज़ें जो है वो आपकी लाइफ से दूर जा रही हैं. बिकॉज आप अपनी लाइफ में एक हेल्दी चॉइस लोगे, आप सोचोगे कि क्या सही है क्या गलत है, बिकॉज यू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि यू नो आप सोचो कि मेरे लिए क्या रॉन्ग है क्या राइट है, कौन पर्सन मेरे लिए सही है कौन गलत है. सो आपके सामने यूनिवर्स इस चॉइसेस लेके आएंगे, एंड देन इट्स ऑन यू कि दैट यू चूज, एंड यू विल चूज हीलिंग, यू विल चूज हैप्पीनेस इन योर लाइफ. आप इस डेविल को अपनी लाइफ से दूर भेज रहे हो, बिकॉज ये डेविल जो है आपके दिमाग पे काबू कर लेता है और आपको यू नो नेगेटिव सोचने में मजबूर करता है. तो आप इस चीज़ को अपनी लाइफ से दूर भेज रहे हो, बिकॉज दिस व्हील इज टर्निंग इन योर फेवर, व्हील ऑफ फॉर्चून. तो यू नो आप यू विल टेक गुड चॉइसेस, आपकी जो डेस्टिनी में जो अच्छे इवेंट्स हैं अब उन्हें स्टार्ट हो जाएंगे, एंड यू विल सी ऑल द हैप्पी चेंजेस इन योर लाइफ. स्पेशली यू नो आई फील इन द मंथ ऑफ अक्टूबर दिस चेंज इज कमिंग, एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट विक्ट्री एंड मैरिज एंड सक्सेस. सो इफ यू आर प्लानिंग टू मैरी योर पार्टनर, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी उस, तो आपकी शादी हो जाएगी उस पार्टनर से. अगर यू नो आप किसी बिग विक्ट्री का वेट कर रहे हो एंड यू आर थिंकिंग कि मैंने इतने हार्डवर्क कर लिया बट मेरा लक नहीं चल रहा है, तो अब आपका लक भी चलेगा और जो नेगेटिविटी है वो आपकी लाइफ से दूर जाएगी, एंड यू विल गेन दिस सक्सेस इन योर लाइफ. ओके, सो एट द एंड ऑफ द डे आप सक्सेसफुल रहोगे, आप विनर रहोगे, आपकी लाइफ में बड़ी विक्ट्री और लोग आपके लिए खुश हो रहे हैं, बिकॉज ये हेल्दी चॉइस आप खुद ले रहे हो अपने लिए, और आप इस डेविल को अपनी लाइफ से दूर भेज के अपनी हीलिंग कर रहे हो और अपनी लाइफ में अच्छे इवेंट्स को आप इनवाइट कर रहे हो. बिकॉज जब नेगेटिविटी हमारी लाइफ से दूर जाएगी तब पॉजिटिव चीज़ें हमारी लाइफ में आनी अपने आप स्टार्ट हो जाएंगी. सो आप खुद ये चूज़ कर रहे हो कि मुझे इन नेगेटिविटी को दूर करना है अपनी ज़िंदगी से, और ये आप चेंज ला रहे हो अपने अंदर, और उसके बदले में यूनिवर्स आपको एक बड़ा सरप्राइज दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सक्सेस, इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप्स, मैरिज एंड कमिटमेंट एंड यू नो करियर एंड एवरीथिंग, गुड हेल्थ. सो यू विल बी हैप्पी इन योर लाइफ. यहाँ से देखते हैं, बिग सरप्राइज कमिंग फ्रॉम यूनिवर्स. वी हैव अ स्टबर्न अग्रेसिव पर्सन. आपके लिए ये जो कार्ड है ये रैम, रैम या दो बार आया है राइट, तो इट्स लाइक ये आप हो स्टबर्न अग्रेसिव, ये आपका नेचर है ऐसा कि डेविल भी है, बिकॉज तो ये आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं. आप स्टबर्न भी हो, जिद्दी हो, गुस्सा ज़्यादा आ जाता है आपको राइट, ये चीज़ें, ये जो डेविल क्वालिटीज़ है ये आपको अपने अंदर से निकालनी है. सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, तो एक जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो इस टाइम अपनी लाइफ में, जो नेगेटिविटी है इसको आप ओवरकम कर जाओगे, यूनिवर्स इसमें आपकी हेल्प करेंगे और आपके रास्ता बनाएंगे वो, तो आपके लिए जो पाथ है वो आगे आसान होगा बिकॉज ऑफ द यूनिवर्स, एंड आप सक्सेसफुली इस प्रॉब्लम से आप ओवरकम कर जाओगे. वी हैव रिकन्सिलिएशन, तो जो लोग सेपरेटेड है अपने पार्टनर से तो उनका रिकन्सिलिएशन होगा, एंड यू विल मीट योर पार्टनर, फिर से बात होंगी और यू नो आपका प्यार फिर से स्टार्ट होगा,
और आप बहुत टाइम बाद अपने पार्टनर से मिल रहे हो, आप दूर रह रहे हो इस टाइम, दूर दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, तो आपका रिकन्सिलिएशन होगा, आप मिलोगे अपने पार्टनर से बहुत जल्द. प्लेंटी ऑफ मटीरियल थिंग्स, आपकी लाइफ में बहुत सारी मटीरियल वेल्थ, मटीरियल सक्सेस जो है वो आ रही है आने वाले टाइम में. यू नो आई जस्ट फील कि आपका जो ये नेचर है ना, ये आपका दुश्मन है और आपको अपने नेचर को सही करना है. आपके आपको अपने अंदर की जो ये क्वालिटीज़ है, नेगेटिव क्वालिटीज़, इनको जो है इनको दूर करना है अपनी ज़िंदगी से, और उसके बाद आपकी लाइफ की जो मेजर प्रॉब्लम्स है ना वो सब खत्म हो जाएंगी. सो दिस यू हैव टू डू फॉर योर सेल्फ. यहाँ से देखते हैं. वी आर मेच्योर वुमेन, तो आपको एज ए मेच्योर पर्सन बनना है अपनी लाइफ में. भी आप बहुत किडिश हो, कुछ यू नो बोल जाते हो, कर जाते हो, यू नो इमेच्योरिटी में, तो एक मेच्योरिटी आ रही है आपके अंदर आने वाले टाइम में. यू नो लाइक यूनिवर्स आपको ये मेच्योरिटी दे रहे हैं विद लाइफ एक्सपीरियंसेस, तो ये चीज़ आप खुद अपने अंदर फील करोगे. आप एक मेच्योर पर्सन बन रहे हो, आप एक मेच्योर डिसीजंस ले रहे हो अपनी ज़िंदगी के, और काफ़ी समझदार बन रहे हो अपनी लाइफ में आगे जाके. देन वी हैव ग्रेट फॉर्चून सी, सो दिस गुड लक, दिस ग्रेट फॉर्चून इज कमिंग फॉर यू. यहाँ पे भी इट्स लाइक मनी फ्लोइंग, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत सारा पैसा और लग्जरी और गुड हेल्थ और हैप्पीनेस, यू नो एक लक जो चलता है, व्हील ऑफ फॉर्चून, ग्रेट फॉर्चून, तो एक लक जो चलता है लाइफ का, वो आपका लक चलना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा अब आने वाले टाइम में. ऑफिशियल पर्सन, तो यहाँ पे कुछ ऐसी जॉब आपको मिल रही है जहाँ पे यू नो एक कुछ, इफ़ यू हैव ड्रीम टू गो इन द आर्मी स्पेशली, तो वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल है. या फिर कोई ऐसी जॉब जहाँ पे आपका स्टेटस बहुत अच्छा है, जहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट बहुत है, जहाँ पे यू नो एक यू यू फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि मैं ये जॉब कर रहा हूँ, चाहे वो जॉब कुछ भी हो, लाइक यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ. तो ऐसी कोई जॉब जहाँ पे यू नो दैट आप रेडी होके जा रहे हो सुबह, तो यू आर फीलिंग प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि यस मेरे पास ये जॉब है और मैं इस पोजिशन पे हूँ. तो ऐसी कोई जगह आपको ऐसी जॉब मिल रही है, राइट. एंड यहाँ पे भी मेच्योर वुमेन, ऑफिशियल पर्सन, इट्स एक दोनों ही लेवल ऑफ मेच्योरिटी दिखा रहे हैं. सो काफ़ी मेच्योर मेच्योरिटी दिखेगी आपकी ऑरा में, आपकी एनर्जी में. देन वी हैव हाई ऑनर, यस सी दिस रिस्पेक्ट इज लाइक सो मच फॉर यू, की रिस्पेक्ट बहुत आ रही है आपके लिए, कि आपके घर वाले, यू नो आपके फ्रेंड्स आपकी रिस्पेक्ट बहुत करेंगे. एंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस से कोई न्यूज़, गुड न्यूज़ आ रही है आपके लिए, जिसका आपको वेट है बहुत टाइम से. एंड यू आर एक्चुअली लाइक यू नो कुछ ई मेल, कोई मैसेज एंड समथिंग लाइक कि यू नो एक कुछ ऐसा हो रहा है आपकी, होने वाला आपकी लाइफ में, कि पीपल विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने कर दिखाया, कुछ ऐसा करने वाले हो. इसे एडवाइस देख लेते हैं ग्रुप नंबर वन के लिए. वी हैव सॉलिट्यूड इन साइलेंस पीस प्रिवेल, सो अगर अभी थोड़ा सा अकेलापन भी है, सॉलिट्यूड है, तो उस अकेलेपन को यूज़ करके अपने आप को बेटर करो, अपनी कमियों पे ध्यान दो और अपनी अच्छाइयों को और मजबूत करो और अपनी कमियों को दूर करो. सो यू नो इट एक पीस आपको मिलेगा अपने आप से. क्लेंजिंग वाटर्स, प्योरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्सेस, सो या क्लेंस करना अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी को, जो भी नेगेटिविटी लोग हमें देते हैं, जो हमें आसपास के एनवायरनमेंट से मिलती है, तो उसको क्लेंस करते रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस टाइम, ताकि आपके जो वाइब्रेशन है वो ख़राब ना हो. एम्ब्रेसिंग एंथुजियाज्म, शाउट टू द हेवेंस विथ हैप्पीनेस, सो ये कनेक्शन दिखा रहा है आपका और डिवाइन का, कि आप यू नो खुश रह के जितना आप उनसे चीज़ें मांगोगे, जितना आप मैनिफेस्ट करोगे, तब पॉजिटिव रहोगे, उतनी ही खुशियाँ, उससे ज़्यादा खुशियाँ वो आपको रिटर्न में देंगे. सो यू नो इट्स लाइक ऑलवेज बिकमिंग सीइंग हैप्पी एंड हमेशा पॉजिटिव रहना, और यू नो हेवन और अपने स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू बोलना फॉर ऑल द थिंग्स यू हैव, एंड उनको ग्रैटिट्यूड शो करना, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए. देन डेजर्ट पैसेज, ट्रस्ट देयर इज अ डिवाइन प्लान, तो अभी थोड़ा सा रास्ता डेजर्ट ही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रस्ट देयर इज अ डिवाइन प्लान, तो इसके पीछे एक डिवाइन प्लान है कि ये सब क्यों हो रहा है आपके साथ, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि ये सब क्यों हुआ आगे जाके, राइट. तब तक के लिए आपको क्या करना है, जो आपने कार चूज किया था, ब्रीद, जस्ट ब्रीद, जस्ट सरेंडर, और कुछ भी ओवर रिएक्ट नहीं करना है, अपने आराम से जो भी आपके पास अभी उसका यूटिलाइज करो और लाइफ में आगे बढ़ो अपनी लाइफ में. ओके सो ग्रुप नंबर वन ये है आपकी रीडिंग. आई होप यू लाइक इट. प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब. बाय, टेक केयर. हाय गाइस, सो ग्रुप नंबर टू आपने चूज करा है कार्ड ग्रोथ. चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में कौन सा बिग सरप्राइज भेजने वाले हैं. सबसे पहले हम देखते हैं ग्रुप नंबर टू की आपकी लाइफ की करंट एनर्जी क्या है.
So current energy of group number 2 we have this messenger of magic, which is the magician card. Then we have lover's card, honeybee, seer of fossils, which is page of pentacles, and then we have the hermit card. Okay, so I guess ki aap kuch manifest karne mein lag gaye ho apni life mein is time, ki you know aapko koi dream hai aur ऐसे कि आपने उस चीज़ पे एफर्ट डाल लिया है, बट नाउ यू आर लाइक मैनिफेस्टिंग इट एक्चुअली, कि आपको लगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके वो चीज़ जल्दी आपके पास आ जाएगी, और आप कुछ प्रेयर कर रहे हो, बेसिकली प्रेयर कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो दिल से उस चीज़ को. एंड अच्छी बात है कि आप कर रहे हो, बिकॉज उससे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है अगर आप दिल से कर रहे हो उसको. तो आई गेस कि आप ऐसे काफ़ी लोग जो है अपनी शादी को, अपने लाइफ पार्टनर को या अपने लवर को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी शादी उनसे हो जाए, ये भी यहाँ नज़र आ रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए. और कुछ लोग ना किसी चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि यू नो कोई प्रोजेक्ट है, कुछ न्यू स्टार्टिंग है अपने करियर की, कुछ जिसे आप अर्न कर सकते हो, किसी चीज़ पे आप वर्क कर रहे हो. बहुत इनिशियल लेवल पे है ये वर्किंग, बट यू नो आपका ध्यान है उस तरफ कि यू नो एक करियर वाइज कुछ करना है, कोई आइडिया आया आपके माइंड में तो आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, या कोई नया करियर पाथ आपने चूज़ किया तो आप उस पर आगे बढ़ रहे हो, ताकि यू नो एक कोई अच्छी कंपनी में या कोई अच्छी जगह आपको जॉब मिल सके. एंड यू आर मैनिफेस्टिंग दिस न्यू जॉब ऑल्सो, एंड यू आर वेरी स्पिरिचुअल. ग्रुप नंबर 2 आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, यहाँ पे हर्मिट कार्ड भी है. सो इट्स लाइक आप अकेले हो लाइफ में, अकेले ये नहीं कि आप सिंगल हो या आपके पास कोई है नहीं, लाइक सब हर कोई है, बट अंदर से आप अकेले हो, और अकेलापन जो है वो आपको स्ट्रांग बना रहा है, वो इंडिपेंडेंट बना रहा है, और वो आपको बहुत सारे नए रास्ते दिखा रहा है. इसलिए कि आपको आपके अंदर से ही वो जवाब मिल रहे हैं आपको लाइफ में क्या करना है. इतना आप एनलाइटेंड हो चुके हो, आपको इतना नॉलेज और समझ आ चुकी है, आप मतलब वैसे जैसे आप एज छोटी होगी आपकी, भले इतने बड़े नहीं हो, बट यू नो वैसे आपका देखा जाए तो एनर्जी लेवल पे, सोल लेवल पे आप काफ़ी मेच्योर हो चुके हो, काफ़ी मेच्योरिटी है, और आपको डिसीजन लेने आते हैं अपनी लाइफ के, और यू नो इट्स जो भी आपकी लाइफ का डार्क फेज रहा है उसने आपको काफ़ी कुछ सिखाया है अपनी लाइफ में, और काफ़ी पॉजिटिव पर्सन भी बनाया है एक तरह से, और आप प्लस काफ़ी और स्पिरिचुअल तो हो ही, कि आपका बिलीव है कि जो भी होगा आगे लाइफ में वो अच्छा होगा आपके. तो आप जो भी आपके पास रिसोर्सेज है आप उनका यूज़ कर रहे हो और कुछ मैजिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो. कुछ लोग एक्चुअली में खुश हैं अपने पार्टनर के साथ उस टाइम. चलिए अब हम देखते हैं कि कुछ लोग अपना घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, घर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि नया घर बन जाए आपका और आपके पार्टनर का. आप देखते हैं कि यूनिवर्स आपको कौन सा सरप्राइज देने वाले हैं बहुत जल्द. ग्रुप नंबर 2 वी हैव नाइट ऑफ कप्स, वी हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे अगेन मैरिज और लवर्स के नीचे आया है फोर ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, अगेन लाइक मैरिज शादी, थ्री ऑफ सोल्स. हम जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं ना रीडिंग, डेफिनेटली आपकी जो शादी है वो होने वाली है, फील की आपकी लाइफ में बहुत जल्दी, अगर आप सिंगल हो तो कोई रिश्ता आ रहा है, या आप अगर रिलेशनशिप में हो इस पर्सन के साथ तो वो जो पर्सन है वो आपको कमिटमेंट देंगे अब आपके, और आपको प्रपोज करेंगे शादी के लिए, और आपकी शादी जो है इस पर्सन के साथ हो जाएगी इन द नेक्स्ट 4 to 6 months. एंड आई फील सो आपकी हीलिंग हो रही है, जो भी आपका जो पास्ट ट्रॉमास थे, हार्ट ब्रेक था, उससे आप हील हो रहे आने वाले टाइम में, और जो भी आपके बैड एक्सपीरियंसेस थे ना उनसे आप उभर रहे हो अपनी ज़िंदगी में. प्लस आई फील कि यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे आप सक्सेसफुल बन रहे हो, यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड ही दिखा रहा है कि एक ऐसी लेवल पे आप पहुँच रहे हो अपनी लाइफ में जिसके लिए आप वर्क कर रहे हो. आपके लिए पहले कार्ड आया था पेज ऑफ पेंटिकल्स का, अब है किंग, तो पेज टू किंग की जर्नी जो रहेगी आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, और यू नो काफ़ी एक सक्सेस मैनिफेस्ट हो रही है आपकी ज़िंदगी में, स्पेशली इन द नेक्स्ट 6 months आपकी लाइफ में बड़ी सक्सेस आ रही है विद इन 6 months, एंड यू नो एंड यू आर सेलिब्रेटिंग दिस सक्सेस विथ योर फैमिली, विथ योर फ्रेंड्स, एंड यू आर वेरी हैप्पी, और आपको फाइनली आपकी ड्रीम जॉब मिल रही है, आप जहाँ पहुँचना चाह रहे थे तो आप वहाँ पहुँच रहे हो.
अपनी लाइफ में, एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड तो आपकी मैरिड लाइफ और ब्यूटीफुल बन रही है, कि आपकी मैरिड लाइफ में आपके और आपकी पार्टनर की जो ग्रोथ है वो बहुत हो रही है, करियर वाइज भी एंड इमोशनली भी आप ग्रो कर रहे हो और अबंडेंस आ रही है, तो आपकी मैरिड लाइफ जो है वो और स्ट्रांग और प्रॉस्परस और सक्सेसफुल बन रही है। आप ऐसे कुछ लोग ट्रैवल करने वाले हो जल्द ही टू सम प्लेस जहाँ आपका जाने का बहुत मन था बहुत टाइम से, या तो घूमने के लिए या फिर फॉर सेटल होने के लिए, या कुछ लोग शादी के बाद जा रहे हैं, बट यू वॉन्टेड टू गो टू दिस प्लेस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम और आप वहाँ जा रहे हो फाइनली, एंड यू नो एक बहुत ही ब्यूटिफुल सा आपका एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है आपकी फैमिली में, आपके रिलेशनशिप्स में और आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी करियर लाइफ में, काफ़ी खुशियाँ दिख रही है मुझे यहाँ पे। तो बेसिकली यूनिवर्स आपको भर भर की खुशियाँ भेज रहे हैं आने वाले टाइम में, एंड यू आर एन्जॉइंग इन योर लाइफ एक्चुअली, यू आर हीलिंग एंड यू आर एन्जॉइंग, आप हर एक मोमेंट को जी रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ऐसा आ रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर टू। वाओ, क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू, सी किंग एंड क्राउन, सो इट्स लाइक कि ऐसा काम जहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट होगी आपकी, राइट, और ऐसी पोजिशन जहाँ पे यू नो आपकी फैमिली में आपकी इमेज बढ़ेगी कि हमारे बेटे की या बेटी की यू नो या जॉब लग गई है एंड इस जगह लगी है, तो यू नो एक रिस्पेक्ट फील होना आपकी फैमिली वालों को भी आपकी वजह से, वो भी है, और वो आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ेगी फिर सोसाइटी में, सो ऑनर एंड रिस्पेक्ट जो है वो आपकी लाइफ में आ रहा है। देन क्लाइंबिंग टूवर्ड सक्सेस, यस, अब आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो एंड अब जो रास्ता है भले ही यू नो टफ है, मतलब हार्डवर्क तो लगेगा ही, राइट, बट सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो आप और आगे जाके यू विल वेरी वेरी सक्सेसफुल, वेरी अबंडेंट एंड आपकी ग्रोथ होगी, प्रस्पेरिटी एंड अबंडेंस, सी कमी किसी चीज़ की नहीं होगी आपकी लाइफ में, हर चीज़ आ रही है, सक्सेस आ रही है, रिस्पेक्ट आ रही है, प्रस्पेरिटी अबंडेंस सब कुछ आ रहा है, हर तरह का मटेरियल वेल्थ एंड इमोशनल वेल्थ सब कुछ मिल रही है आपको अपनी ज़िंदगी में, सो इट्स लाइक ब्यूटिफुल फेज आफ्टर द डार्क फेज इज स्टार्टिंग इन योर लाइफ, एंड जस्ट बिकॉज कि आपने अपने आप को जाना है, समझा है और अपने आप हीलिंग करी है आपने, देन ट्रस्ट योर सॉरी यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस, यस, सो जो भी लाइफ में डिसीजंस लो हमेशा अपने इंट्यूशन की सुनो कि आपका इंट्यूशन क्या बताना चाह रहा है आपको, और कभी गलत नहीं होगा क्योंकि आपने आप इतने हील्ड हो ना, आप इतने स्पिरिचुअल हो कि यू डोंट नीड एडवाइस, यू जस्ट आस्क योर इंट्यूशन कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है, बिकॉज इंट्यूशन का जवाब इट मीन्स डिवाइन का जवाब, आई फील दैट, सो जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन और इंट्यूशन का यूज करके अपनी लाइफ में बेटर चेंजेस लाना, तो अपनी लाइफ को और बेटर बनाना यूजिंग योर इंट्यूशन। यहाँ से देखते हैं वी हैव चेंज, सी अगेन आप लगेज ट्रैवलिंग, तो यस आप अपना सामान पैक करके कहीं जा रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, सो ट्रैवलिंग है और चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ ऑरा, और या कुछ लोगों के लिए अपना जो सामान है जो यूज़ नहीं कर रहे हैं घर से उसको बाहर निकाल रहे हैं, तो एक चेंज फॉर अ पॉजिटिव एनर्जी, राइट, तो एक अच्छा चेंज आ रहा है आपके घर में। लवर्स, यस, सी आपके लिए फोर ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड लवर्स, सो अगेन किस तरह कार्ड्स हैं यूनियन के, शादी के, प्यार के, तो प्रपोजल, रोमांस, मैरिज, ये सब कुछ दिख रहा है मुझे आपके लिए, नेक्स्ट 6 मंथ्स तो बहुत ही ब्यूटीफुल रहेंगे एंड यूनियन एंड इट्स सो रोमांटिक फॉर यू, ग्रुप नंबर टू, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक रहेगा आपका, आप और आपके पार्टनर के बीच का बॉन्ड बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ेगा आप दोनों के बीच में। देन वी हैव मेच्योर मैन, यस, दिस मेच्योरिटी यहाँ पे ग्लोब है, अगेन ट्रैवल ट्रैवल दिखा रहा है, इंटरनेशनल ट्रैवल, सो अगेन लाइक मेच्योरिटी की यहाँ पे बुक्स हैं, तो नो आप नॉलेज गेन कर रहे हो, नॉलेज लेके और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, तो एक मेच्योरिटी, दिमाग खुल रहा है आपका, दिमाग के पर्दे खुल रहे हैं और आपके अंदर एक अलग सी ही एक ऑरा आ रहा है, एक शाइन आ रही है आपके ऑरा में, और आप एक नॉलेजेबल पर्सन बन रहे हो जो दूसरों को भी ज्ञान दे सकता है इन अ गुड सेंस, ओके, एंड यहाँ पे रिस्पेक्ट भी आ रही है आपके लिए लोगों के दिल में, एंड यू नो दूसरे लोग ना आपकी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली करेंगे, ये नहीं कि आप बोल रहे हो कि मेरी रिस्पेक्ट करो भाई, बट वो खुद कर रहे हैं आपकी रिस्पेक्ट, बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी में वो चामनेस आ रही है, सो लाइक बहुत ही एक अलग ही मेच्योरिटी, जिसके बहुत सारा एक्सपीरियंस है लाइफ का, उस तरह के मेच्योर पर्सन आप बन रहे हो,
वाओ, आर यू सीरियस? कोर्टशिप? ग्रुप नंबर टू, यू आर वेरी लकी. यहाँ पे आप खुद देखो, कोर्टशिप, लवर्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड हनी बी का जो कार्ड आया था. कितने सारे कार्ड दिखा रहा है कमिटमेंट के लिए. एंड आई ऑल्सो फील कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे, अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ पार्टनर ना बहुत ही मेच्योर और सुलझे हुए पर्सन होंगे, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, बट बहुत ही मेच्योर और वेल सेटल्ड एंड सक्सेसफुल होंगे. और जब आपकी शादी होगी देन यू हैव टू चेंज योर लोकेशन, स्पेशली काफ़ी दूर जाओगे आप शादी के बाद. यहाँ पे आपके पर्सन बहुत रोमांटिक होंगे, बहुत प्यार करेंगे. इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड ऑल्सो, तब भी आपका जो प्यार है ना, वो बहुत अपील की बढ़ने वाला है. एक अलग ही लेवल का रोमांस आप फील करोगे फ्रॉम योर पार्टनर साइड, की हमेशा आपके साथ रहना, केयर करना, अंडरस्टैंड करना. यू नो, एक रोमांटिक रिलेशनशिप बहुत अच्छा है. और आपका एक प्रपोजल आ रहा है इफ़ यू आर सिंगल, एंड यू नो आई मीन आई फील कि यू गाइज आर गेटिंग एंगेज वेरी सून, एंगेज एंड गेटिंग मैरिड वेरी सून, एंड यू विल बी सो हैप्पी. ग्रुप नंबर टू, लाइक आई एम सो हैप्पी फॉर यू कि आपका रिलेशनशिप अब बहुत अच्छा रहने वाला है. एडवाइस देखते हैं फॉर ग्रुप नंबर टू. वी आर ट्रैवलिंग लाइटली, सिंप्लीफाई योर लाइफ. यस, अगेन ट्रैवल. तो यस, ट्रैवलिंग से आई थिंक कि कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा आपको. प्लस अब जो जर्नी है आपकी लाइफ में आगे, उसको एकदम लाइटली ट्रैवल करना. ज़्यादा बोझा मत लेना पास का, उसमें बिल्कुल आराम से विदाउट एनी लोड ट्रैवल करना आगे. वंडरस यूनिवर्स वॉक इन ब्यूटी. तो यूनिवर्स इज़ विथ यू, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, यूनिवर्स इज़ देयर फॉर यू. सो यूनिवर्स इज डूइंग सम वंडरफुल चेंजेस फॉर यू इन योर लाइफ. बिगिन नाउ, टेक योर फर्स्ट स्टेप्स. अगर आपको गुड बाय, गुड बाय बोल रहा है, तो इट्स लाइक कि आप कोई कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको यू नो आपके जो फैमिली है वो बाय बोल रही कि गुड लक फॉर योर न्यू जर्नी, बिगिन नाउ. या फिर इट्स ऑल अबाउट कि एक नई जर्नी लेना अपनी ज़िंदगी में, एक नया लेवल स्टार्ट होना, एक नया चैप्टर स्टार्ट होना. एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि अपना पहला कदम लो इस तरफ, तुम रेडी हो इस चीज़ के लिए, तो अपना फर्स्ट स्टेप लो, बिगिन नाउ. एंड लास्ट कार्ड वी हैव इज पैशन एंड प्लेजर सेव योर लाइफ. से अगेन यहाँ पे दोनों कपल हैं. कपल कार्ड्स आर लाइक सो मच फॉर यू ग्रुप नंबर टू. लाइक यू विल बी इंजॉइंग विथ योर पार्टनर, सेव योर लाइफ. तो यहाँ पे डांस हो रहा है, पार्टी हो रही है, तो कुछ ना कुछ एंगेजमेंट, मैरिज फंक्शन, एनिवर्सरी, यू नो, कोई यहाँ पे कुछ इंजॉय कर रहा है अपने पार्टनर के साथ, सबके साथ. एंड समबडी सो हैप्पी. तो आपकी बहुत सारी हैप्पीनेस आप मैनिफेस्ट हो रही है, और आप इतना इन्जॉय कर रहे हो विथ योर लाइफ पार्टनर, विथ योर लवर. एंड यू नो, एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन रहा है आप दोनों के बीच में. सेव योर लाइफ, तो अपनी लाइफ को इन्जॉय करो, यूनिवर्स यही कह रहे हैं. सो ग्रुप नंबर टू, ये है आपकी रीडिंग. आई होप यू लाइक इट. प्लीज़ टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. बाय, टेक केयर.